What's up guys, once again welcome back to our YouTube channel। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे गाइस। और बात करने वाला हूँ हब ऑफ इंडिया के 7th एपिसोड के बारे में गाइस, जहाँ विकेट सनी जो है शानदार शो का आगाज करते हैं, बुलाते हैं नेक्स्ट परफॉर्मर को गाइस। तो अगली परफॉर्मेंस आती है वन थिंग क्रियो की गाइस, दिल्ली की गली से पॉपिंग एंड ओपन स्टाइल कोरियोग्राफी इनका स्टाइल है। और ऑडिशन राउंड में इनकी अमेजिंग डांस परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली थी और जजेस का दिल भी इनकी परफॉर्मेंस ने जीत लिया गाइस। और आज भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की थी, जिस गाने पे इन्होंने परफॉर्म करा दैट वाज तेरे बिना, बेसुवादी बेसुवादी रतिया ओ सजना, दम दम दम, मस्त मस्त गाइस। और बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस, कैप के साथ जो ये ट्रेक करते हैं बहुत ही कमाल का था। ट्रायो इनका ग्रुप है और बहुत ही अमेजिंग इनकी परफॉर्मेंसेस होती हैं, एक सिंगल सिंगल बीट को ये नहीं छोड़ते गाइस। और बहुत अमेजिंग ये इस परफॉर्मेंस को अगर आपने मिस कर दिया देखना, जैसे आप देख सकते हो अमेजोन मिनी टीवी के ऊपर कभी भी कहीं भी। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऑल अबाउट रियलिटी शो अपडेट और हिप हॉप इंडिया की रेगुलर अपडेट के लिए धर्मेश नूरा फतेह रेमडोसो द्वारा बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स इस परफॉर्मेंस को दिए गए। और डेफिनेटली इनके परफॉर्मेंस को 98 मार्क्स मिलते हैं, तो टेक ओवर होगा गाइस। और इन्होंने टेक ओवर किया वॉन्डर क्रू को गाइस, तो यो हाइनेस जो हैं आ चुके हैं अब क्रू में गाइस। तो नेक्स्ट धर्मेश का चैलेंजेस है, फेमस फैमिली क्रू लेके आया है गाइस, आकाश एंड तनुज हिप हॉप केरला और यूके से गाइस। तो बहुत ही अमेजिंग इनकी परफॉर्मेंस थी, फेमस क्रू लेके आया है डुओ परफॉर्मेंस। और ये धर्मेश का चैलेंजेस है, जिस गाने पे इन्होंने परफॉर्म करा देयर वाज गल मिट्टी मिट्टी बोल, बजने दे ताशी दो रस कानों में खोल, आ तेनु चांद की एक चूड़ी पहनावा, अमेजिंग कोरियोग्राफी। और इन्होंने जो स्टाइल करा जैसे चेन रिएक्शन का थ्रेडिंग एंड रोकिंग एंड बहुत ही अमेजिंग मूव्स इन्होंने करके दिखाया। और इनकी परफॉर्मेंस को 97 मार्क्स के साथ साथ बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे जजून पैनल नोरा फतेही रेमा डिसूजा धर्मेश द्वारा दिए गए गाइस। तो बहुत ही प्यारी ये परफॉर्मेंस थी आकाश एंड तनुज के गाइस। तो आकाश तनुज 97 एंड मोहित एंड गौरव 91 पे हैं। नेक्स्ट परफॉर्मेंस है देवियम एंड दर्शन मुंबई के गले से हिप हॉप ओपन स्टाइल कोरियोग्राफी इनका स्टाइल है। और ऑडिशन राउंड में इन्होंने बहुत धूम मचाई थी, तो आज की परफॉर्मेंस भी इनकी बहुत कमाल की थी। ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह, बन्नों की सहेली आँखें गजरा रही, बन्नों की सहेली रेशम की डोरी गाइस। तो बहुत ही अमेजिंग ये परफॉर्मेंस थी, हिप हॉप का जादू इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में चलाया, जिसने ऑडियंस के साथ साथ जजेस का दिल भी जीत लिया गाइस। तो हिप हॉप इंडिया के सोलो डुओ और क्रू में धर्मेश लेके आए हैं एक चैलेंज। तो सोलो आर्टिस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, क्रू कंप्लीट हो चुके, तो डुओ में क्या होने वाला है गाइस। बहुत अमेजिंग कमेंट्स इनकी परफॉर्मेंस को दिए जाते हैं नोरा फतेही एंड रेमो डिसूजा द्वारा देवियम एंड दर्शन मुंबई से गाइस। तो बहुत ही अमेजिंग इनकी परफॉर्मेंस थी, धर्मेश ने भी बहुत अप्रिशिएट किया इनकी परफॉर्मेंस को एंड इनके 99 मार्क्स जो हैं आते हैं गाइस। नेक्स्ट उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही अमेजिंग था, अनदेखा था अनसुना था, क्योंकि बेकेट सनी और देमियम का फेस होता है रैप के द्वारा और नोरा फतेही को इम्प्रेस किया जाता है देमियम द्वारा और देमियम को मिलता है केस नोरा द्वारा, लेकिन जो बेकेट सनी है उनको धर्मेश द्वारा एक केस मिलता है। तो लास्ट में जो उन्होंने बोला वो बहुत ही कमाल का था, गलत गार्डन में फूल लगा रहा है जो खिल नहीं रहा, और वो तेरे को मजनू भाई की पेंटिंग याद है जिसमें गधा गायब था जो मिल नहीं रहा, बहुत ही अमेजिंग बात। नेक्स्ट परफॉर्मेंस थे आश्मिता स्टीव शिलोंग की गलियों से और स्टाइल है इनका फ्यूजन एंड फुटवर्क गाइस। तो बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस इन्होंने करी, जिस गाने के ऊपर मेरी कुड़िए मुंडिया तो बच के रही गाइस, बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस गाइस। सैटरडे सैटरडे कर दी रहती है गाने के ऊपर गाइस, फेबुलस डांस मूव अमेजिंग फुटवर्क एंड चिल दिल जीत लिया इन्होंने गाइस। तो अगर आपने इस एपिसोड इस परफॉर्मेंस को मिस किया है तो इसे आप देख सकते हो अमेजोन मिनी टीवी के ऊपर कभी भी कहीं भी, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऑल अबाउट रियलिटी शो अपडेट, थोड़े नेगेटिव कमेंट्स आए लेकिन परफॉर्मेंस ऑल ओवर बहुत अच्छी थी। बेस्ट विशेस टू देम साई देवियम दर्शन तनुज एंड मोहित एंड अश्मित एंड स्टीव। नेक्स्ट परफॉर्मेंस
राज एंड हिमांशी ग्वाली की गले से पॉपिंग एंड एनिमेशन इनका स्टाइल था। तो क्या टेक ओवर होगा या नहीं गाइस? तो राज हिमांशी ने जिस गाने पे के परफॉर्म करा दरबार से, ये क्या हुआ, तेरे मेरे प्यार की बातें क्यों दुनिया की नज़रों में आ गई गाइस। अमेजिंग कोरियोग्राफी, हिप हॉप डांस का जादू, हिमांशी के डांस के साथ साथ उनके एक्सप्रेशन भी माशाल्लाह बहुत कमाल के थे, जिन्होंने सबका दिल जीता, ऑडियंस एंड जजेस का गाइस। तो बहुत ही प्यारी ये परफॉर्मेंस थी। इस प्यारी सी परफॉर्मेंस को, इस प्यारे से एपिसोड को अगर आपने मिस किया तो इसे अमेजोन मिनी डी के वो देखना ना भूले, कभी भी कहीं भी। नोरा ने बहुत अप्रिशिएट किया इस परफॉर्मेंस को, रेमोड सूजा ने भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करे इस परफॉर्मेंस को, धर्मेश ने भी बहुत अप्रिशिएट किया राज एंड हिमांशी। तो बेस्ट विशेज टू देम गाइज। तो राज हिमांशी टेक ओवर करती हैं आश्मित एंड स्टीव को। तो टॉप 12 चुने जा चुके हैं सोलो डुओ एंड क्रू गाइस। तो देखना ना भूलिए हिप हॉप इंडिया के अपकमिंग एपिसोड। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।